दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में जमकर उत्पात मचा चुका गैंगस्टर काला जठेड़ी उर्फ संदीप अब शादी करने जा रहा है, और जिससे शादी करने जा रहा है वो भी कभी जुर्म की दुनिया में लेडी डॉन रह चुकी है। काला जठेड़ी की गर्लफ्रेंड अनुराधा कभी रिवॉल्वर रानी के नाम से जानी जाती थी। वैसे तो काला जठेड़ी इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन अब उसकी शादी के कार्ड छप चुके हैं। दुल्हन भी तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार है, जिसके लिए उसने दिल्ली की द्वारका कोर्ट से कस्टडी परोल मांगी है, जो कि मंजूर भी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, और वो ये कि अब ये गैंगस्टर शादी करने जा रहा है। काला जठेड़ी पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 30 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, फिरौती, रंगदारी, हत्या के प्रयास जैसे बड़े बड़े मामले शामिल हैं। अब खबर मिल रही है कि कई आपराधिक वारदात को अंजाम दे चुका काला जठेड़ी अपनी गर्लफ्रेंड अनुराधा से शादी करने जा रहा है। अनुराधा खुद भी एक वक्त पर अपराध जगत में लेडी डॉन रह चुकी है। शादी के लिए काला को दिल्ली के द्वारका कोर्ट से कस्टडी परोल मिली। वो 12 मार्च को दिल्ली में शादी करेगा। अगले दिन यानी 13 को सोनीपत के अपने घर में गृह प्रवेश करेगा। इस दौरान काला जठेड़ी पुलिस की नजरों के सामने ही रहेगा। गैंगस्टर की शादी पर सेंट्रल एजेंसियों समेत 4 राज्यों की पुलिस नजर बनाए रखेगी। काला जठेड़ी और उसकी गर्लफ्रेंड अनुराधा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2021 में यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। बात करें गैंगस्टर की दुल्हन बनने जा रही लेडी डॉन अनुराधा की, तो ये मैडम एक वक्त पर रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर थी, जो कभी राजस्थान के कुख्यात डॉन रहे आनंद पाल की बेहद करीबी हुआ करती थी। आनंद पाल का एनकाउंटर हो जाने के बाद अनुराधा ही उसका गिरोह संभालती थी। बाद में अनुराधा संदीप उर्फ काला जठेड़ी के संपर्क में आई और उसके साथ काम करने लगी। अनुराधा राजस्थान की हिस्ट्री शीटर रह चुकी है और उस पर 14 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें ज़्यादातर किडनैपिंग के केस हैं। 3-4 केस में वो बरी भी हो चुकी है और अब एक आम नागरिक की तरह जिंदगी जी रही है। फिलहाल अनुराधा जेल से बाहर है और सोनीपत में संदीप के घर वालों के साथ ही रह रही है। साल 2023 में अनुराधा ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया था कि अब उसका जुर्म की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अब वो काला जठेड़ी का घर संभाल रही है। अब काला जठेड़ी की बात करें तो इसके खौफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रेसलर सुशील कुमार ने अपनी गिरफ्तारी के बाद जठेड़ी से अपनी जान को खतरा बताया था। वैसे तो दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों में आज काला जठेड़ी का नाम बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी अगर आप इस मशहूर गैंगस्टर को, मशहूर क्या कहें, कुख्यात गैंगस्टर को नहीं जानते, तो चलिए हम आपको बताते हैं। काला जठेड़ी उर्फ संदीप हरियाणा के सोनीपत जिले के जठेड़ी गाँव का रहने वाला है। 12वीं पास है, जो पहले केबल ऑपरेटर का काम करता था। काला जठेड़ी ने साल 2004 में अपराध की दुनिया में कदम रखा। जठेड़ी के खिलाफ उसी साल सबसे पहला झपटमारी का केस दर्ज हुआ था। कुछ साल बाद ही हरियाणा में हुई कुछ हत्याओं में उसका नाम सामने आया, और फिर काला जठेड़ी उर्फ संदीप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, गुनाह के दलदल में उतरता चला गया। बीते 15-16 साल में उसने आपराधिक दुनिया में तेजी से कदम बढ़ाए। हत्या, अपहरण, लूट, फिरौती, जमीन पर कब्जे जैसे अपराधों में उसका नाम सामने आने लगा। जठेड़ी के गैंग में सैकड़ों की संख्या में शूटर शामिल हैं। हरियाणा पुलिस ने उस पर घोषित इनाम की राशि को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी उस पर मकोका लगाया था। सोनीपत के इस गैंगस्टर को तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात नीरज बवाना का दुश्मन भी माना जाता है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ सिर पर पड़ने के बाद से जठेड़ी गैंग की नज़र दिल्ली NCR की विवादित जमीनों पर रही। कई राज्यों में उत्पात मचाने वाले काले जठेड़ी को 23 जुलाई 2021 को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। उस पर दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट यानी मकोका लगाया हुआ है। पिछले कई सालों से आपराधिक वारदात अंजाम देने वाला काला जठेड़ी कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था। काला की सहयोगी लेडी डॉन अनुराधा को भी उसी के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था। जिस तरह 3 साल पहले इनकी गिरफ्तारी की खबरें छाई हुई थी, ठीक उसी तरह अब इन दोनों की शादी की खबरें भी आम लोगों के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। तो वहीं दिल्ली पुलिस और आसपास के राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द। नमस्कार।